जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पहला वीडियो आपने देखा सेट थ्योरी वन के नाम से। सेट थ्योरी वन में सेट नाम के चैप्टर में ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है उसकी बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरी। यदि वो समझ में आती है तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो सेट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज फिर से एक बार, हो और मैं आज आगे की थ्योरी फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो सेट नाम का जो चैप्टर हम अभी देखने वाले हैं, इसमें दो तीन चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगी। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस सेट्स में, सेट्स यानी कि समुच्चय, इस समुच्चय में मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में आपके सामने क्लियर किया था सेट की डेफिनेशंस, समुच्चय की परिभाषा, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उसके दो टाइप्स, फाइनाइट और इनफाइनाइट, उसके दो फॉर्म, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म हमने काफी डीप में और डिटेल में डिस्कस करे। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका, और वो था सेट के बेसिक बेसिक उसके इंट्रोडक्शन, जैसे नल सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं उसको, सिंगलटन सेट, ऐसे सेट हमने वन बाय करके डिस्कस किए थे। फिर हम आगे एग्जाम्पल के साथ में, अलग अलग वेराइटी के साथ में, सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें हम लोग फिर देखने लग गए थे। ये सब देखने के बाद में हम और डीप में गए, और डीप में हमने क्या समझने का कोशिश करा कि सेट एक्चुअल में है क्या। ये सब पूछने के बाद में मैंने फिर आपको, जैसे लास्ट में पहले वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट को डिफाइन किया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों सेट डिफाइन होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे इन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें चलती कैसे है, बनती कैसे है। तो डियर चिल्ड्रन, समुच्चय यदि हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर एक और नई चीज आती है जिसका नाम है सबसेट। आज हम क्या क्या बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। पहले उप समुच्चय यानी कि सबसेट, फिर आपका आएगा यूनिवर्सल सेट। सबसेट के बाद में हम डिस्कस करेंगे पावर सेट, फिर प्रॉपर सबसेट। ये तीन चीजें हम एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा हम आगे की बात करेंगे। पावर सबसेट यानी कि पावर सेट यानी कि घात समुच्चय, घात समुच्चय हिंदी में इसका नाम है, और प्रॉपर यानी कि उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर यानी कि उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से यदि हम इन चीजों को देखते हैं तो यह मान के चलेगा कि यह बहुत आसानी से, बहुत इजीली बन जाएगी पूरी। सो, हम यहां पर अभी क्या डिस्कस करते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब, पहले नंबर पे आएगा आपके पास में यदि कोई एक सेट है जिसको आपने नाम दिया है ए, जिसको आपने नाम दिया है ए, सपोज उसने नाम दे दिया, मैं आपने ए बी सी डी ई, या बहुत ज्यादा नहीं लेते हम केवल तीन ले लेते हैं, ए बी सी, ए नाम का एक सेट है। ओके, अब ए नाम का ये जो सेट है, इस सेट को हम सबसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारा यहां पे पर्पस है सेट को सबसेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम बोल रहे हैं सेट, और हमको चाहिए सबसेट। यानी कि एक एग्जांपल मैं अक्सर देता आया हूं इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए, और इस टॉपिक को डिफाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा और ध्यान से सुनना है मेरी इस बात को। बात ऐसी है कि जैसे स्कूल में कोई प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल पूरे स्कूल का सर्वे सर्वा होता है,
बस का कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्लास का कुछ इशू हुआ, कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ खराब काम हुआ, स्कूल में किसी टीचर को जल्दी जाना है, लेट जाना है, किसी टीचर को कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को जो है, सारे अच्छे काम को जो है वो प्रिंसिपल के पास आते हैं, ये ऐसा ऐसा कुछ है। अब स्कूल यदि बड़ा है, प्रिंसिपल सारे चीजों को देख नहीं सकते हैं, मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, वो भी एक प्रकार के मनुष्य हैं, तो वो स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, एक नया काम करता है प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, वो है वाइस प्रिंसिपल लेकर आना। तो प्रिंसिपल सारे काम को हैंडल नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, तो कौन हैंडल करेगा भैया, तो वाइस प्रिंसिपल करेंगे। कौन हैंडल करेंगे, वाइस प्रिंसिपल उस काम को हैंडल करेंगे। जैसे अब सारी अथॉरिटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को नहीं सौंपेंगे, कुछ काम सौंपेंगे, बोले बस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिस्पॉन्सिबल वाली बात बाद में आती है, पहले जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास ना जाते हुए वाइस प्रिंसिपल के पास जाओ। किसी टीचर को कुछ एजुकेशन को लेकर कुछ बात डिस्कस करनी है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल तक ना करते हुए वाइस प्रिंसिपल तक करो। मतलब थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल के पास में यदि 10 काम है तो वाइस प्रिंसिपल 10 में से 8 काम, 7 काम, 2 काम, 3 काम, 5 काम दे देंगे, तो इनका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें इनके पास में डायरेक्ट जाने की बजाय पहले इनके पास जाएंगे पूरे, लगेगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो फिर प्रिंसिपल के पास जाएंगे पूरा। यहाँ पे ये मतलब सेट के अंदर यदि 3 मेंबर हैं तो सबसेट के अंदर 3 मेंबर नहीं होंगे, 3 से थोड़े कम होंगे। प्रिंसिपल यदि छुट्टी पे है तो सारे के सारे काम वाइस प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं। यदि वाइस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा दमदार नहीं है, प्रिंसिपल को थोड़ा भरोसा नहीं है, तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को बोलेगा, बोले भाई तू बैठ कुछ भी मत कर, हो सकता है इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। अब मेरा मोटिव आप लोग समझे होंगे कि मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं कि सबसेट में तीनों से एलिमेंट हो सकता है नहीं हो, एक एलिमेंट हो, यह इसका सबसेट है। एक एक एलिमेंट हो तो जैसे ए खुद हो सकता है, बी खुद हो सकता है, तो अकेला सी भी हो सकता है, फिर दोनों हो सकते हैं ए और बी, बी और सी दो दो भी हो सकते हैं, फिर आप बोलोगे फिर तो तीन तीन भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं तीन तीन भी, तो ये तीन तीन एलिमेंट भी हो सकते हैं। और बोले कुछ भी नहीं होगा तो खाली यानी कि फाई, तो ये सारे क्या बन गए, इसके सबसेट। इन सबको हम क्या बोलेंगे, सबसेट। सबसेट वाले एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे या दिख गए होंगे। सबसेट किसको बोलते हैं, उप समुच्चय किसको बोलते हैं। सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 3 एलिमेंट में से एक भी नहीं, सारे के सारे एक एक दो दो मिलकर जो सेट बनते हैं, कोई एक छूट जाएगा या कोई दो छूट जाएंगे, तो वो दो दो मिलकर क्या बनते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो क्लियर हो रहा है, यानी कि सेट के अंदर यदि 3 मेंबर बैठे हुए हैं तो आपके पास सबसेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 3 भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल सारे काम हैंडओवर भी कर सकता है, सारे काम हैंडओवर नहीं भी कर सकता है, लेकिन सारे ना काम हैंडओवर ना करते हुए वाइस प्रिंसिपल को 3 में से 2 काम, 1 काम, दो दो काम का पेयर, बोले मैं पूरा स्कूल का सर्वे सर्वा हूं, अपने स्कूल में बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, इसका मेंटेनेंस वाला काम तुमको देखना है, कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना है। मतलब सबसेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, इतना क्लियर है, यानी कि सबसेट सेट का बच्चा रहेगा, यूं बोल सकते हैं आप लोग एक प्रकार से। ओके, इस सबको सबसेट हम लोगों ने बोला है। सबसेट कौन है वो जरा देख लीजिएगा आप लोग, सबसेट कौन है वो क्लियर है। ओके, सबसेट किसको बोलते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये रहा आपका सबसेट का मैटर। सबसेट जो है वो क्लियर है कि सबसेट हम किसको बोल रहे हैं। सबसेट हम उसको बोलते हैं कि जो सेट से ही निकल कर आता है, बाहर से नहीं आता है। ओके, ये एक बात आपको और मैं क्लियर कर रहा हूं कि सबसेट सेट का ही एक पार्ट है, लेकिन वो कम पार्ट हो सकता है।
ठीक है, तो सेट और सबसेट का फंडा आपको क्लियर है। चलो काउंट करके देखिए आप लोग, इसके अंदर सेट के सबसेट कितने बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने बने, 8 बने, यानी कि 8 बने। तो सबसेट निकालने का एक फार्मूला और होता है जिसका नाम है 2 की पावर n। अब ये n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोले तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स। तो 2 की पावर 3 यदि रख देंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर ऑफ एनी काइंड ऑफ सेट्स, तो आपका आंसर होगा 2 to the power n, बोले तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो सबसेट कितने हुए आपके पास में, 8, यानी कि टोटल सबसेट कितने बने, 8। यानी कि सबसेट की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कार्डिनल नंबर की, वो क्लियर हो गया। सबसेट क्लियर होने के बाद में मैं आगे एक और चीज लेकर आता हूं जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में ये जो एबीसी वाला है, जो तीनों जो चीज है वो नहीं आएगी, यानी कि फाई आएगा अकेला ए, तीनों वाली को हम मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, सिंगल सिंगल एलिमेंट। अब दो दो का नंबर लगाइएगा, तीन का एक साथ में लगेगा, नहीं का नहीं लगेगा, नहीं मतलब कि फाई, फिर तो ए और बी, देन बी और सी, और फिर ए और सी। तो ये हो गए आपके टोटल 7 सबसेट, जिसको हम नाम देंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कि 2 to the power n-1। n मतलब कि उसके अंदर एलिमेंट कितने थे, 2 की पावर 3-1, यानी कि 7, एक कम हो जाएगा जो कि एबीसी रहेगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये दो चीज आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। क्या हो गई, ये दो चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई है। सबसेट किसको बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, दोनों चीज आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। ओके डियर चिल्ड्रन, तो सबसेट आपके पास हो गया क्लियर, प्रॉपर सबसेट आपके पास में हो गया क्लियर, दोनों चीज आपके पास में आइडेंटिफाई कर चुके हैं आप लोग, डिफाइन कर चुके हैं कि ये कैसे आई, कहां से बनी, कैसे बनी। ओके, इसमें मुझे लगता है आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दो चीजें समझने के बाद में। हम यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेने के बाद में जरा हम यहां पर फिर एक और चीज डिफाइन करते हैं। मैं फिर एक नया सेट लेता हूं जिसका नाम हो जाएगा ए। अब मैं दो ही एलिमेंट लेता हूं ए और बी। अब आप बोलेंगे भैया इसके सबसेट बनाओ, ये हो गया आपके लिए क्या, सेट। सबसेट बनाइएगा इसका, सबसेट बनाएंगे तो इसका एक बनेगा ए, एक एक बार एक एक लेंगे, फिर एक बार दोनों ही ले लेंगे ए और बी, और एक बार क्या ले लेंगे, केवल खाली यानी कि फाई यानी कि एम्प्टी। ये प्रॉपर सबसेट हो गए। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 2 की पावर 2, एक और दो, दो एलिमेंट है 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स 4। फिर आप यहां पर आगे बढ़े, प्रॉपर सबसेट में आपका ये जो ओवरऑल जो सेट वाला सबसेट बना है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो एक कम हो जाएगा, ये हो गया कम, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, 2 की पावर 2-1 यानी कि 3। यानी कि प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया, सबसेट किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया। दोनों चीज आपको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं वो जरा देख सकते हैं आप लोग, किसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। के बाद में फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो एक और नई चीज आती है जिसका नाम है पावर सेट। क्या नाम है उसका, पावर सेट। पावर सेट यानी कि घात समुच्चय, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय, प्रॉपर यानी कि उचित उप समुच्चय,
उचित उप समुच्चय और सबसेट यानी कि उप समुच्चय। सारे हिंदी नाम मैं आपके लिए ही लिख रहा हूं समझने के लिए किस तरीके से चलता है। उचित उप समुच्चय, समुच्चय, उप समुच्चय, इस प्रकार का। पावर सेट यानी कि जितने भी आपने सबसेट बनाए हैं उनका एक बार फिर से सेट बनाना है। पावर सेट यानी कि सबसेट आपने कितने बनाए थे, यानी कि ए बी और ए बी और यानी कि फाई। पावर सेट यानी कि ए बी कॉमा फाई, ये हो गए आपके लिए क्या पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करें। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय इज ए पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। यानी कि ये ए बी एक सेट था, उसके सबसेट आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं कॉमा ए कॉमा बी ए बी देन फाई, इनका फिर से आप बना देंगे क्या सेट, तो क्या बन जाएगा ये फिर से सेट बना देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पावर सेट घात समुच्चय। घात समुच्चय किसको बोलते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए या क्लियर हो रहा होगा। पावर सेट यानी कि प्रॉपर सबसेट के बाद में सबसेट, तीन चीजें मैंने आपको डिफाइन करी है, तीनों चीजों में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन 1% भी यदि है तो आप बेशक बता सकते हैं कमेंट्स वगैरह करके, लेकिन तीनों चीज एकदम क्लियर कट आपके सामने दिखाई दे रही है। तीनों चीजों को हमने क्या क्या नाम दिया है वो एक बार आप अपनी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। मैंने तीन अलग अलग चीजों को डिफाइन किया है एक एग्जाम्पल के साथ, और एलिमेंट दो लिए थे यानी कि इसके जो कार्डिनल नंबर था वो कितना था, एक्चुअल में 2 था, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 4, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे 3, एक कम हो जाएगा एबीसी वाला। और पावर सेट कौन सा रहेगा, तो पावर सेट आपके लिए ये रहा, जितने भी सबसेट है उसका फिर से सेट बना दीजिएगा। कलेक्शन ऑफ सबसेट इज ए पावर सेट। ओके, सो ये एक हमारे पास में बेहतरीन एग्जांपल के साथ में ये प्रोसेस मैं पूरी कर रहा हूं। अब तीसरी चीज में तीन वाला एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं यहां पर सोच रहा हूं कि कुछ नंबर लिया जाए 1 2 3, सबसे बेस्ट नंबर ये है 1 2 3। पहले इसका हम क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे। सबसेट्स यदि इसके बनाएंगे हम लोग सबसेट, तो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, 1 2 3 1 3 2 3 देन 1 2 3 एंड एक हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। फार्मूला क्या बोलता है आपका, 2 की पावर 3 यानी कि 8, कितने हो गए सबसेट्स 8, ये हो गए आपके पास में सबसेट्स। सबसेट्स के बाद में आएगा नंबर प्रॉपर सबसेट का, किसका आएगा प्रॉपर सबसेट का, ये रहे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में किसी एक को कम होना पड़ेगा, अब वो कम कौन रहेगा आप सभी जानते हैं, ये हो गया आपके पास में प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्लियर है, प्रॉपर सबसेट क्लियर है, सबसेट क्लियर है, प्रॉपर सबसेट क्लियर है, ये दो चीजें आपकी यहां पर नोटिस करने वाली है। बी हो जाएगा 1 2 3, सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, और तीसरा होता है यहां पर पावर सेट, पावर सबसेट, पावर सेट, सबसेट नहीं पावर सेट।
पावर सेट जितने आपने सबसेट बनाए हैं टोटल, कोई प्रॉपर नहीं, टोटल सबसेट, उसका एक बार आप फिर से क्या कर दो, सेट बना दो। सेट बनाने के लिए हमको ओवरऑल एक क्लोज ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो जितने भी सबसेट बन रहे हैं, ये सबसेट एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, वन टू वन थ्री टू थ्री ए बी सी, तीनों ए बी सी नहीं, वन टू थ्री एक हो जाएगा खाली, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो गया। अब सेट बनाने के लिए एस वाले ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट, तीन चीजें आपके पास में क्या हो गई, क्लियर हो गई। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, तीन चीजें आपके पास में क्या हो गई, क्लियर हो गई। ओके, एक टॉपिक लेकर हम चल रहे हैं, तीनों को कंपैरिजन करने के साथ साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने एक वाला एग्जांपल लिया, दो एलिमेंट वाला एग्जांपल लिया, तीन एलिमेंट वाला एग्जांपल लिया, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट और सबसेट क्या क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहां रहती है, लैंग्वेज जब आती है तब उसके साथ में रहती है। तो तीन चीजें जब हम देखते हैं तो लिखने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज होता है। जैसे मान लीजिएगा ये ए, यहां है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तीन चीजें यदि होगी, अंकित आवाज चेक कर लेना, है ना, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है। सपोज बी नाम का एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ ए ई आई। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि यदि इस ए का यदि एक सबसेट बनाएंगे तो ए ई आई उसमें रहेगा, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसको हम बोलेंगे कैसे कि सबसेट का साइन हो जाएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ साइन सेट ए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे आपको, ए के पास मिलेंगे। बी के सारे एलिमेंट आपको कहां मिल रहे हैं, ए के पास मिलेंगे, यानी कि जो एलिमेंट बी के अंदर है वही एलिमेंट ए के अंदर भी है, इसीलिए उस ए बी का पार्ट है। मतलब वाइस प्रिंसिपल का काम और प्रिंसिपल का काम अलग अलग नहीं हो सकता, जो काम प्रिंसिपल का है वो काम वाइस प्रिंसिपल का होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने ऐसा बोला है कि जो काम प्रिंसिपल कर सकता है वो काम वाइस प्रिंसिपल कर सकता है, नो डाउट, बट जरूरी नहीं है। लेकिन जो काम वाइस प्रिंसिपल करेगा वो काम प्रिंसिपल भी करेगा या प्रिंसिपल का काम भी रहेगा, यानी कि वाइस प्रिंसिपल यदि बस का इंचार्ज है तो स्वाभाविक है वो वाइस प्रिंसिपल का भी हो सकता है। मतलब जो एलिमेंट बी का है वो एलिमेंट ए का भी हो सकता है, जो ए का है वो बी का होगा जरूरी नहीं है। ओके, तो बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर जाएंगे, आपके ए के अंदर जाएंगे। तो ये अपना एक लिखने का एक तरीका, एक लैंग्वेज होती है पूरी। सो ये तीन चीजें हम लोगों ने क्या करी, अभी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करा है। इन तीन चीजों को डिफाइन करने के बाद में मैं यहां पर एक नई चीज और लेकर आता हूं जिसका नाम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट्स। एक एक चीज को बहुत माइनर लेवल पर हम लोग इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये हो जाएगा आपके लिए समष्टि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि, समुच्चय। फिर एक नया शब्द और आएगा यहां पे, इंटरसेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ, इंटरसेक्शन और यूनियन यानी कि संघ, इसका एक दूसरा नाम रहेगा एंड अपनी लैंग्वेज में, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन लगेगा ये वाला,
इसको इंटरसेक्शन का साइन बोला जाता है। इसका नाम रहेगा और इसका साइन रहेगा यूनियन, यानी कि यू। ये यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। यूनियन और इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन और ये यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन दो अलग अलग नई नई टेक्निक है, अलग अलग नोटेशन है। थोड़ा सा इसको हम और डीप में जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आपके लिए। अब यहां पर हो जाएगा ए, सपोज ए मैंने कंसिडर करा, ए बी सी। बी नाम का एक सेकंड सेट लिया, ए बी डी ई, ऐसे करके मैंने चार एलिमेंट वाला एक सेट बना लिया। ए वाला मैंने क्या करा, एक सेट बना लिया, ओके। ए नाम का एक सेट, बी नाम का एक सेट, सेट बनाया। कोई सबसेट वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पे आया पूरा। अब आपको यहां पर दो चीजें निकालनी है, एक फाइंड करनी है इंटरसेक्शन, क्या फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन, और दूसरी आपको फाइंड करनी है यूनियन। इंटरसेक्शन यानी कि मान लीजिएगा ए, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ, ये इंटरसेक्शन का साइन है, इसको हम बोलेंगे सर्वनिष्ठ। अंकित, अंकित चला गया है वो पेज, बेगुन ठीक है। सो ए नाम का यदि हमको यहां पर एक सेट कंसीडर करना है, ए नाम का एक सेट हमने कंसीडर किया, ए बी सी डी, डी तक ले लेते हैं। बी नाम का एक सेट कंसीडर किया, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं। बी नाम का यदि हमने एक सेट लिया, ए बी सी या ए बी ई, ये दो सेट हम लोगों ने डिफाइन करे, ओके। ए बी सी डी क्या ले रहे हैं वो आपको क्लियर है, क्या ले रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लेने के बाद में जो सोचना है फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर एक नई चीज आएगी जिसका नाम है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हमने पहले बोल दिया था सर्वनिष्ठ, क्या बोल दिया था, सर्वनिष्ठ। और यूनियन को हमने बोल दिया था वो था आपका संघ, यूनियन यानी कि संघ। अब इंटरसेक्शन में जैसे ए यदि एक सेट है और इंटरसेक्शन का साइन होता है इंटरसेक्शन का, ये ऐसा आपको दिखेगा पूरा, ये इंटरसेक्शन है। इसमें वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में हो, क्योंकि इंटरसेक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है एंड। ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। ऐसा एलिमेंट तो एक दिख रहा है मुझे ए और दूसरा दिख रहा है बी, ये हो जाएगा आपके लिए इंटरसेक्शन। ए और बी नाम के दो सेट है, उसका यदि कॉमन निकाले हम लोग, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए कॉमा बी, क्योंकि ए बी उसमें भी है और ए बी इसमें भी है। तो ये कॉमन, कॉमन का मतलब ए में भी होना चाहिए और मतलब एंड, एंड बी में भी होना चाहिए। यूनियन यदि आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ये यूनियन का साइन है डियर चिल्ड्रन। और इसमें दोनों को संग करके लिखना है, दोनों को मिलाकर लिखना है। मिलाकर लिखना है मतलब कि ए को भी मिलाना है बी के साथ, बी को मिलाना है ए के साथ में। तो यूनियन हो जाएगा ए बी सी डी ई, ए यूनियन बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए कॉमा बी, ए यूनियन बी यानी कि सब के सब आएंगे। अब आप बोलोगे सर ए बी तो डबल डबल है, तो सेट्स में कोई भी सेट बनाओ उसमें कोई भी एलिमेंट डबल नहीं आता है। ये जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे एग्जांपल डिफाइन कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को, आपके सिलेबस को। डिफाइन करने का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, दो चीजें आप डिफाइन कर रहे हैं, और इसके अलावा आप कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों चीज आपके सामने क्लियर हो रही है। किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत 1% भी यदि है तो आप मुझे अभी भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेनिफिट कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है किसी भी चीजों का। ओके, इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या डिफाइन करा है, आपने क्या लिखा है। यूनियन का मीनिंग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और इसको हिंदी में अथवा या बोला जाता है। या तो ये लेना है या ये लेना है, कॉमन है तो एक ही बार लेना है। इंटरसेक्शन में वो चीज लेनी है जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कॉमा बी दिख जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब आप बोलोगे एक दूसरा वो लेके देख लेते हैं, शायद और आपको क्लियर हो जाए। सो ए 1 2 3 4 5, थोड़ा सा मैं बड़ा लेने का सोचा था, ये ले लेते हैं। बी एक दूसरा सेट हो जाएगा, बी तो यहां पर मैं ले रहा हूं 2 4 8 9, ऐसा लिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 4 5 8 9 ले लेते हैं, ये ले लिया। अब यदि इसका कोई बोले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि आप कर क्या रहे हैं। तो आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढिएगा, ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन कौन आ रहा है। तो आप बोलोगे कॉमन भैया 2 भी है 4 भी है 5 भी है, 2 4 5 ये रहा, तो कॉमन का मतलब कि 2 4 5 ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2 4 5, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 2 4 5, ए इंटरसेक्शन बी इसको हम बोलते हैं। ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, दोनों को मिलाकर लिखना है। ए यूनियन बी किसको लिखना है, दोनों को मिलाकर लिखना है। रिपीट है तो एक ही बार लिखना है। यूनियन यानी कि ए यूनियन बी यानी कि ए संग बी, तो 1 2 3 4 5। अब उसके बाद में 2 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 8 और 9 एक्स्ट्रा थे, 8 और 9 एक्स्ट्रा लिख दिए, तो ये हो गए आपके ए यूनियन बी। ए और बी अलग अलग दो सेट्स थे, ए एंड बी आर डिफरेंट सेट्स। ए यूनियन बी ऑल्सो सेट, ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो सेट्स। सेट कैसे बनता है वो क्लियर है। सो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी डियर चिल्ड्रन। ओके, सो डिफाइन करने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज आपके सामने मैं रखता जा रहा हूं वन बाई करके। सो मुझे लगता है किसी भी प्रकार को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी, डाउट नहीं होगा किस तरीके से ये चीजें हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो ए हो गया, बी हो गया, इंटरसेक्शन, यूनियन, दो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक नई चीज मैं लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल सेट्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है समष्टि समुच्चय। क्या होता है? समष्टि समुच्चय का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि समुच्चय का मतलब यह होता है कि ये समष्टि मतलब यूनिवर्सल कब है। अब यहां पर एक बहुत मजेदार बात आएगी
कि यदि यहां पर ए नाम का एक सेट लिया आपने 1 2 3 4 है, 1 2 3, बी नाम का यहां पर लिया 1 2 3, या 3 को छोड़ देते हैं थोड़ा सा, 4 5 8 यहां तक लिया सपोज, कोई भी एलिमेंट कहीं से भी ले सकते हो, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो यू से या ई से, या फिर किसी और से भी कर सकते, फिर मेंशन करना पड़ेगा कि यू ई या पी के जो भी है पूरा, ए और बी के सारे एलिमेंट यहां होना चाहिए और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ए और बी तो होना ही चाहिए। अब ये यू यूनिवर्सल सेट है ए के लिए भी और बी के लिए भी। यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि यू हो जाते हैं फादर, तो ए एंड बी आर सन्स ऑफ यू, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय के ये फिर दो बच्चे हो जाएंगे ए और बी। ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है, बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है, तो ही ये यूनिवर्सल है, अदरवाइज नहीं है। मान लो कल से आप यहां पे इसको लिख दें 10 लिख दें, तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 तो उसमें है ही नहीं, ये इसके बाहर नहीं जा सकता है, इतना क्लियर है। तो अभी आपने जो लिखा था वो लिखेगा, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो ये सेट आपके लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों हुआ? मैंने थोड़ा डिफाइन किया, आप समझ गए मैं डिफाइन करके क्या प्रूव कर रहा हूं। यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको क्लियर हो रहा है क्या है, क्या बोलते हैं इसको? यदि ए और बी में यूनिवर्सल के अलावा भी कोई एलिमेंट है, नहीं है चलेगा, लेकिन बाहर के नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी 10 लिखा था, वो 10 उसमें नहीं चल पाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर यहां पर हम एक नई चीज निकालते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। किसी से भी पूछो आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो वो बोलेगा पूरक यानी कि उल्टा। मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अब्सेंट स्टूडेंट। जो मेरे पास है वो ठीक है, जो नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट है जो मेरे पास है उसका। यानी कि यदि ये ए है तो इसका हम ए डैश फाइंड करें, ए डैश फाइंड करें, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 2 3 को छोड़कर ए डैश में क्या आ जाएगा? तो 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे 1 2 3 क्यों नहीं आएगा? स्वाभाविक है, कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। किसी ने आपको, प्रिंसिपल ने किसी टीचर को बोला कि तुम्हारी क्लास में आज कितने बच्चे अब्सेंट है उनकी लिस्ट बनाकर दो, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? जो प्रेजेंट है उनको छोड़कर टोटल रजिस्टर्ड कितने स्टूडेंट है उनको नाम उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि सर ये रहे। तो ए यदि 1 2 3 है तो ए डैश क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9। बी डैश क्या हो जाएगा? बी डैश का मतलब होता है 1 2 4 5 8 को छोड़कर, तो 1 2, अब 3 यहां पर नहीं है तो यहां आ जाएगा, 4 है 5 है तो 6 7 8 भी है तो 9 यहां आ जाएगा। स्वाभाविक है इन दोनों को मिला देंगे तो यू बनेगा। प्रेजेंट स्टूडेंट और अब्सेंट स्टूडेंट को यदि हम मर्ज कर दें, हम मिला दें, तो क्या बनेगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल सेट यानी कि ए नाम का एक सेट है, बी नाम का एक सेट है, दोनों को मर्ज कर दें तो उससे और ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट को यदि ए है तो उसको ए डैश भी बोलते हैं और ए की पावर सी भी बोलते हैं, या ए बार भी बोलते हैं, या नॉट ए भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट किसको बोलते हैं? ए डैश, ए सी, ए बार या नॉट ए, ये दो चीजें हम उसको डिफाइन करते हैं, हम ये दोनों चीजें डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट किसको बोलते हैं ये मैंने क्लियर किया, ओके। अब यहां पर मैं एक नई चीज और आपको बताने वाला हूं अभी, जो कि आपके समझने के लिए बेटर है, वो ये रहेगी, यदि आप ए यूनियन ए डैश कर दे तो आपको यू मिलेगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये यू है आपके लिए, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि जो ए के अंदर है और जो ए डैश के अंदर है उन दोनों को मर्ज कर देंगे, स्वाभाविक यूनिवर्सल मिलेगा। यदि ए
और ए डैश में कॉमन निकालेंगे तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा, यानी कि फाइव मिलेगा। ए और ए डैश को यदि आप कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जो बच्चे प्रेजेंट हैं और जो बच्चे अब्सेंट हैं उन दोनों में कॉमन बच्चा कोई भी नहीं हो सकता है, तो भगवान है फिर वो जो क्लास के अंदर भी बैठा हुआ है और घर के अंदर भी बैठा हुआ है सेम टाइमिंग पे, पॉसिबल ही नहीं है। जो आदमी एक समय जहां होता है वहीं होता है, ठीक है। सो बात को जरा समझने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, सो यूनिवर्सल सेट यानी कि समष्टि समुच्चय यानी कि यू ए बी को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में डिफाइन कर रहा हूं। ये आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी चीज था जो कि मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। ओके, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। हम देख आप देख रहे होंगे कोई भी चीज को हम कैसे पकड़ते हैं, वन बाय करके कैसे जाते हैं। सो वन बाय जाने का अपना एक तरीका, अपना एक अंदाज किस तरीके से चलता है। ओके, अब या अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया है उसको एक बार डिफाइन करने के पहले थोड़ा सा मैं यूनिवर्सल सेट का एक डायग्राम बना के आपको दिखाना चाहता हूं। कि जैसे मान लीजिएगा कि यहां पे ए ई आई ओ यू लिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, यही कलर चलने दे, ए ई आई ओ यू, ये यूनिवर्सल सेट। फिर यहां पर यदि हम ए लेकर आ जाए तो ये हो जाएगा ए ई, फिर यहां पर बी हो जाएगा ओ यू, ए हो जाएगा ए ई, बी हो जाएगा ओ यू, ठीक है। अब यदि आपको कोई बोले कि इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ, कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, ए डैश, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, ए का उल्टा, तो ए ई को छोड़कर तो आई ओ यू, बी डैश को यदि छोड़ दें, बी डैश यानी कि ओ यू को यदि छोड़ दें तो ए ई आई, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा एक ए डैश। ए और बी नाम के दो सेट थे, एक फाइंड कर रहे हैं आप ए डैश, दूसरा फाइंड कर रहे हैं आप बी डैश। ए हो जाएगा ए डैश के तौर पर, बी हो जाएगा बी डैश के तौर पर, ए ई आई ओ यू, ओ यू ए ई आई, अलग अलग चीज आपने आइडेंटिफाई करी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। मैंने जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ए और ए डैश में से आप कुछ कॉमन निकालोगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। देखो जरा, ए और ए डैश में से कुछ कॉमन है क्या, ए ई वहां है यहां नहीं है, आई ओ यू यहां है वहां नहीं है, खाली मिलेगा। फिर बी इंटरसेक्शन बी डैश कितना मिलेगा, खाली मिलेगा, यानी कि फाई मिलेगा। क्यों मिलेगा फाई, क्योंकि जो यहां है वो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहां नहीं है, ऐसा कुछ माजरा बन रहा है यहां पर भी, बनने दीजिएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फाइव मिल गया। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, ए यूनियन ए डैश करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन के बाद में नंबर लगा रहे हैं यूनियन का, तो आप बोलोगे दोनों को मर्ज करके लिखना है, तो ये लिख दिया ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यू यू के बराबर है, यूनिवर्सल सेट। बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश का भी सेम कहानी है, ए ई आई ओ यू, यानी कि प्रेजेंट और अब्सेंट बच्चे को यदि मर्ज कर देंगे तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी, टोटल यानी कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको किसी भी प्रकार की। तो ए यूनियन ए डैश, बी यूनियन बी डैश कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो जरा देखने की जरूरत है आपको, समझने की जरूरत है। मुझे लगता है किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीजों को पकड़ने में समझने में। ओके, सो ये एक बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने मैंने आज ये रखा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसी का मैं आपको एक वेन डायग्राम नाम की चीज बता के खत्म करता हूं इस क्लास को। वेन डायग्राम,
इसको वेन आरेख या आलेख भी बोला जाता है। वेन डायग्राम यानी कि अब यहां पर मान लीजिएगा यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं ए ई आई ओ यू। ए ले लिया सपोज हमने ए ई, बी है आपका यहां पर ओ यू, ए हो गया ए ई, बी हो गया ओ यू। लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ओके। और यदि यहां पर हम एक दो सर्कल डिफाइन करेंगे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इतना आप लोग याद रखें। अब ऐसा एलिमेंट बताइएगा जो दोनों में कॉमन हो। थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर ई ले लेता हूं, तो ई आपको ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, तो ये ई ले लिया। ये हमने ए और बी डिसाइड करा, यूनिवर्सल सेट ए ई आई ओ यू है, इसलिए है क्योंकि वो दोनों का दोनों के एलिमेंट ए और बी के यू के अंदर है। मतलब ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यू, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ यू, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हैं। यू यानी कि यूनिवर्सल, ये इसका सबसेट हो सकता है। अब ये ए है और ये बी है, इस एरिया को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला एरिया, ओके। अब बताइएगा ए आपको दिख रहा है ई, तो ए बाहर आ जाएगा और बी में हो जाएगा ओ और यू। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो ए के अंदर है ना ही बी के अंदर है, तो ना तो ए के अंदर है ना ही बी के अंदर, बेचारा बाहर ही जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं। तो ए कहां आया, ई कहां आया, ओ कहां आया, यू कहां आया, आई कहां आया। और मजेदार बात है कि सारे एलिमेंट यू के अंदर है, इसलिए ये यूनिवर्सल बोला जाता है। ये ए केवल ए में है बी में नहीं है, ये ओ और यू केवल बी में है ए में नहीं है, लेकिन ई ए का भी पार्ट है बी का भी पार्ट है, इसलिए यहां लिखा, ओके। सो इसका एक और स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समझना, मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं इस चीज का। ये जो दो डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, ये ए और बी, तो जब हमें ऐसी चीजें डिफाइन करते हैं तो ये यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इस एरिया को हम बोलेंगे, ये ए और ये बी, इस एरिया को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस एरिया को हम बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। बहुत यूनिक तरीके से इसको मैंने डिफाइन किया है, आप समझ भी रहे होंगे यूनिक तरीका क्या होता है। वेन डायग्राम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो इसका एक छोटा सा मैंने नमूना रखा है। ये सेकंड वीडियो चल रहा है आपका सेट थ्योरी को लेकर, ओके। और सेट थ्योरी को लेकर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही इंडिकेशन वाला है पूरा। अभी तक मैंने आपको दो लेक्चर में, दो वीडियो में क्या क्या डिफाइन कर दिया है, एक बार जरा वापस ध्यान से सुनिएगा। सबसे नंबर वन सेट, इसका एक फ्लो चार्ट बना के मैं आपके सामने रखता हूं। अभी तक हमने डिफाइन करा है सेट, सेट किसको बोलते हैं वो क्लियर है। सेट के बाद में आया था आपका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में सेट के दो टाइप, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर आए थे दो फॉर्म, फॉर्म यानी कि मेथड, एक था आपका रोस्टर, दूसरा था सेट बिल्डर। रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम के दो सेट, फिर डेफिनेशन, फिर आया था नल सेट, फिर आया था एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के बाद में सबसेट, सबसेट से ही बना प्रॉपर सबसेट, और इसी से बना पावर सेट।
फिर इसके बाद में हमारे बनाए यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन, यूनियन और फिर कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी, वो थी वेन डायग्राम। जब किसी फैमिली के राजा महाराजाओं का डायग्राम बनाना होता है तो वो ऐसे फ्लो चार्ट के साथ में बात करते हैं, बोले ये महाराज, इनके दो बच्चे, इनकी शादी वहां हुई, इनके फिर दो बच्चे, फिर चार बच्चे, एक का विवाह वहां हुआ, एक की डेथ हो गई, एक का फोटो नहीं है, इस प्रकार की बातें चलती है। वो डायग्राम जब हम लोग देखते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं कि ये कैसे आया, कहां से आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस प्रकार की बात। बाकी तो पूरा कंसेप्ट, पूरा फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता होगा, समझ जाते होंगे आप लोग, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है। ये चीजें मैंने अभी तक आपको थ्योरी के पर्पस पे क्लियर करी है, एक बार जरा इसको वापस से देखिएगा, समझिएगा कि ये कैसे चल रहा है, कैसे बन रहा है ये, और ये चीज डिफाइन करने के बाद में इतना जब आप कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके बाद में मैं एक और सबसे बड़ी और बेहतरीन चीज लेकर आऊंगा सेट थ्योरी पार्ट 3 के तौर पर, और वो है फार्मूलास। सेट के जितने भी फार्मूले हैं कहां पर यूज होते हैं, प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, उसके बिना एग्जाम नहीं होती है, इतना आपको याद रखना है और समझना है। सो डियर चिल्ड्रन, मैं जस्ट इसके बाद में जो पार्ट 3 रखूंगा वो तभी समझ में आएगा जब पार्ट 2 क्लियर होगा। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।